ये क्या कर रहे हो प्रेम? प्रेम चुप कर दो, अपना सिर क्यों पीट रहे हो? दीदी तुम्हें नहीं पता जीजा जी और पापा ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? बताओ तो। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। कैसे बताऊं? आपको लगता है मैं नपुंसक हूँ इसलिए हॉस्पिटल ले गए? बाप हो या कसाई? बाप हूँ तुम्हारा, इसीलिए चिंता लगी रहती है मुझे। समझ, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारे वंश की वृद्धि कैसे? हाँ, तुम्हारा वंश तो शाही वंश रहा है ना। शामू यहाँ। हाँ बड़े बाबा। अरे मर गया। अरे आप जल्दी से शादी कर लो ना छोटे बाबा। चुप रहे। प्रेम का तो टेस्ट होने वाला था ना। हाँ गए थे पर मैं बताता हूँ। क्या हुआ? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। अगर बादलों में पानी ही ना बचा हो तो वो बरसेंगे कैसे? आर्टिफिशियल बारिश कराओ। अरे इसे समझाने से कोई आप क्यों लेटे? बुरा लगा ना? तो फिर कर ले शादी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरी माँ हर रोज मेरे सपने में आकर पूछती है कि मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं की। अब मैं उसे क्या जवाब दूँ? सॉरी पप्पा, लड़की ढूंढो। ये है ऑप्शन नंबर वन। कैसे हैं आप सर? हाँ अच्छा। ये है मेरा साला प्रेम। हाँ हेलो, सब ठीक है ना? और ये है इनकी बेटी। हाय। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका शादी के बाद क्या करने का विचार है? जो भी परमेश्वर चाहेंगे। मेरा मतलब है कोई जॉब या फिर आपको आगे भी स्टडीज करनी है? जो भी मेरे पति देव चाहेंगे। आप आगे कुछ तो करना चाहती होंगी ना? बताइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। जो भी मेरे अन्नदाता चाहेंगे। और फैमिली, बच्चे? जितने मेरे पति परमेश्वर चाहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? जो आपको अच्छा लगेगा वो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रही हैं? मैं तो वही करूँगी जो मेरे पति चाहेंगे। आप मेरे परमेश्वर बनेंगे। जैसा तुम उसे करने को कहोगे वैसा ही वो करेगी। और तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, जिस लड़की से मिला वो नहीं चाहिए। नाटक? क्या नाटक? मुझे एक वेल एजुकेटेड, ब्रॉड माइंडेड, मैच्योर, बैलेंस, स्टाइलिश और स्वाभिमानी लड़की चाहिए। धनंजय की बहन? करेक्ट। मेरे कलीग की बहन है सुषमा। तुम्हारी जो भी डिमांड है ना वो सारी उसमें इनबिल्ट है। ये है ऑप्शन नंबर टू। हाय, आई एम सुषमा, सुषमा ठाकुर। हाय, मैं प्रेम। आप कुछ लेंगे? केक। केक? केक से डायबिटीज होती है। तुम्हें हरी चाय पीनी चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक्सक्यूज मी, दो पानी कम हरी चाय। तुम्हारा नाम प्रेम प्रसाद, सन ऑफ राम प्रसाद। लंबाई 6 फीट, वजन 78 किलोग्राम। तुम्हारे सिर्फ 4 दोस्त हैं। हफ्ते में 3 दिन साईं बाबा के मंदिर में माथा टेकते हो, राइट? सैटरडे को रात 9 से 12 बजे तक पब में रहते हो। गुटका के 2 पैक में ही तुम टल्ली हो जाते हो, वो तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम अभी तक वर्जिन हो। वाओ, मुझे वर्जिन लड़के बहुत पसंद है। तुम खबरी हो या फिर रिपोर्टर? मैंने डिटेक्टिव हायर किया था। मेरा प्रोफाइल देखना चाहोगे? एक्चुअली पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहती हूँ। बताओ। नंबर वन, तुम्हारी फैमिली जॉइंट फैमिली है ना? मैं जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रहूंगी। नंबर टू, मुझे पाली हिल में 1 3-बेडरूम फ्लैट चाहिए, स्विमिंग पूल वाला। 1 बेडरूम तुम्हारा, 1 बेडरूम मेरा और 1 बेडरूम हम दोनों का। हम दोनों का भी तो एक पर्सनल बेडरूम होना चाहिए ना। नंबर 3, मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना भी तुम्हें बनाना होगा और झाड़ू पोछा भी तुम्हें करना होगा। नंबर 4, रात में मेरे पैर बहुत दुखते हैं, दबाने पड़ेंगे। और हाँ, नंबर 5, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। हफ्ते में सिर्फ 2 बार मतलब? हाँ, जो तुम समझ रहे हो वही मैं कह रही हूँ। मैं दबाऊंगा इसके पैर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बोल रही है? जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगी तू? है कल दबा दूंगा तेरा। महारानी समझती है क्या तू अपने आप को इंग्लैंड की? 2 बार हफ्ते में है। आज शाम को पब में चलेगा, बाय। ये है ऑप्शन नंबर 3। हाय, हाय, आई एम प्रेम। मैंने पता है, हाउ हैंडसम अंजो। हेलो, इससे मिला? अरे क्या यार, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है निकी। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। क्या नाम है आपका? जो? जो जोक्स ना यार। ओ, जो शादी के लिए लड़की से पब में मिलना कितना एक्साइटिंग है। मुझे तुम्हारी बहन बैग्स ने बताया कि तुम शादी करना चाहते हो।
You're so handsome. Two vodka shots, please. नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ना जी ये तो हमारे लिए। तुझे ड्रिंक नहीं करते? नहीं 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 वो आज मंगलवार है ना? Actually मैं भी पीती नहीं पर मैं ये मॉडलिंग करते करते पीने लग गई। Six months के बाद मिस यूनिवर्स के लिए जाऊंगी। सिलेक्ट होने के बाद 5 years तक नो मैरिज एंड किंगफिशर कैलेंडर मिल गया तो लाइफ चंगी। समझ सकता हूँ। एड्स, फिल्म्स, फैंटास्टिक करियर है जी। पर तुम्हारे जैसे क्यूट लड़के को देखकर तो शादी करने का मन कर रहा है जी। I'm confused यार। अगर तैनु शादी करनी है तो 5 साल तक रुकना पड़ेगा। बहुत हो गया, मैं अब नहीं झेल सकता। एक 18वीं सदी की है तो दूसरी 25वीं सदी की और तीसरी तो मुझे एक पोता दे दो। अगर आपने दोबारा शादी की बात की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पोता। अब मेरे चाचू की देखो कैसे दुर्गति लगती है। प्रेम, 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 मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे छोड़ दो ना। नहीं छोड़ूंगा। ओके 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 ओके। मामा जी। तुम बच्चों को देखकर मैं हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ। हाँ ठीक है भांजियों। उस दिन के बाद हर जगह मुझे वो लड़की दिखाई देने लगी। सोते जागते उठते बैठते मुझे बस उसका ही चेहरा नजर आता। आखिर एक दिन मैंने अपनी बहनों को अपने दिल की बात बता दी और मेरी बहनें तो एफएम रेडियो थी, उन्होंने ये बात फौरन जाकर पापा को बता दी। और मेरे पापा, उन्हें और क्या चाहिए था, वो तो कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। लेकिन मेरी किस्मत तो भगवान ने पता नहीं किस घड़ी में लिखी थी। हाँ मम्मी पार्टी वर्कर के साथ है, जरा होल्ड कीजिए मैं फोन देता हूँ। हेलो। क्या मुंडेश्वरी जी? नमस्कार। नमस्ते। प्रसाद कुमार जी, जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको। आपके तो पूरे राज्य में चर्चे हैं, खेती बाड़ी में काफी नाम है आपका, सामूहिक विवाह भी करवाते हैं आप। आप जैसे बड़े और अच्छे लोगों की इस देश को जरूरत है। नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो आम इंसान हूँ। हाँ तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, बिना झिझक खुल के बोलिए। देखिए मेरी 3 बेटियां हैं और ये मेरे 3 दामाद हैं। खुशी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, हम कृष्णा जिला जनकपुरी से हैं, हम सब वहीं के रहने वाले हैं। मेरी बेटी राजेश्वरी। मोटू राम तू। अरे मेरे बचपन। हम दोनों लंगोट पहनने की उम्र से लंगोटिया यार है। ये प्रसाद कुमार मेरा बचपन का दोस्त है। 40 साल बाद मिल रहे हैं। दादी पहले मेरी बात सुनाना। सुचित्रा, हमारी निशा के लिए शादी का प्रपोजल आया है, और ये लोग कौन है? ये आप क्या बोल रही है माँ? चुप रहिए। माँ है मेरी। अरे आपको कौन नहीं जानता, आप तो घर की बुजुर्ग है। मेरा प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा, तुम में कितने संस्कार है, इतना क्या सोच रही है? हाँ कह दे। तू अपने बेटे का रिश्ता लाया है, वाकई यकीन नहीं होता। चलो इस पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। सुनिए एक मिनट, कुछ बात करनी है। निशा के मम्मी पापा की वो 2 मिनट की बात मेरे लिए 200 साल लंबी थी। उन 2 मिनट में मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई थी। ले लो। ये लीजिए। ये रस्म भी पूरी कर दे। अच्छा वो मुच्छर तुम्हें पसंद तो है ना?
निशा के विवाह का शुभ समय आया है, वैशाख के सुंदर माह में 18 तारीख को, अगले महीने की पूर्णिमा को, शुक्रवार की सुबह 10 बजे, शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र में, सुचित्रा देवी अपनी इकलौती प्यारी बेटी निशा का कन्यादान करेंगी। Hi, I'm Prem. Hi. ये निशा। नमस्ते। नमस्ते जी। ये मेरी पहली शादी है। ओ, पहला शादी? मैं पहली बार हनीमून पर जा। समझा। असल में इनका मतलब okay, okay, मैं इसका बात समझ गया। आप समझ गए ना? थैंक यू। तुम्हारी शादी हो गई? अभी तक नहीं, पर हो जाएगा। हनीमून के लिए कहाँ गए थे? Oh my God, तुम अंदर कैसी बहकी बातें कर रहे थे? ये सब पहली बार हो रहा है ना, इसीलिए। कुछ भी मत बोलो। अच्छा नहीं लगा? कौन है? Guess? अरे बोलो ना बाबा कौन है? अरे गेस ना। अरे बोलो ना। हाय। हाय। हाउ आर यू? फाइन। बाय गॉड की कसम, कितनी बार तुम्हारा नंबर मैंने ट्राई किया, हर बार बिजी। कहाँ रहते हो तुम? वेट। ये निशा है। हाय, अंजू। निशा, तुम फ्रेंड हो उसकी? जी नहीं, इसकी मंगेतर। नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, तुम भी जरूर आना। ओ माय गॉड, मैंने एक बात बोलनी है। अगर किसी वजह से तुम्हारी शादी टूट जाए, प्लीज बुरा मत मानना, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। I'm sorry, but I hate you. All the best. तुम सचमुच बहुत किस्मत वाली हो। Bye. तुम्हारी लाइफ में ऐसी कितनी लड़कियां हैं? मेरा मतलब है कि वो लड़की तुम्हें इस तरह से हग क्यों कर रही थी, वो भी बीच रास्ते पर? निशा, वो बस मेरी दोस्त है। बहुत मॉडर्न है, पर दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है वो। तुम इस बात को सीरियसली मत लो। देखो प्रेम, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते रहोगे ना? हाँ। I love you। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा।